चलते हैं सीधा आपको जहां पर मेरे सहयोगी रतीश इस वक्त कुछ तस्वीरें दिखा रहे हैं। रतीश दिखाइए जरा क्या तस्वीरें हैं आपके पास। क्योंकि सबसे बड़ी परीक्षा की सबसे बड़ी घड़ी है और इस घड़ी में कोई चूक नहीं होने देना चाहते। कोई भी अधिकारी, चाहे प्रशासनिक अधिकारी हो चाहे पुलिस के अधिकारी हो, लगातार यहां पर जो लोग आ रहे हैं उनके पासेस को चेक किया जा रहा है। 10 विधानसभा क्षेत्र कानपुर महानगर में है और 10 में सबसे ज्यादा हाई प्रोफाइल सीट महाराजपुर की है, क्योंकि सतीश महाना कैबिनेट मंत्री वहां से आते हैं। और इसके अलावा कल्याणपुर में राज्य मंत्री नीलिमा कटियार की साख दांव पर लगी हुई है। पूरी तरह सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं, सुरक्षा के अभेद किले में बदला गया है। और आज बहुत बड़ी घड़ी है, परीक्षा की घड़ी है और रिजल्ट आएगा। रिजल्ट में कौन पास होता है, कौन अव्वल आता है, कौन फेल होता है, हम आपको बताते रहेंगे। लेकिन स्ट्रांग रूम और ईवीएम्स यही है, कुछ दूरी पर स्ट्रांग रूम और ईवीएम रखी गई हैं। 8 बजे से उनको खोला जाएगा और उसके बाद 8:30 बजे से ईवीएम में गिनती शुरू हो जाएगी, मतों की गिनती शुरू की जाएगी और उसके बाद धीरे धीरे अपडेट्स आते रहेंगे। लेकिन आज बहुत बड़ी परीक्षा की बिल्कुल है। बिल्कुल 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 रतीश ने हमें दिखाया कि कैसे तैयारी है, कैसे सुरक्षा दिखाई दे रही है। कानपुर में चाक चौबंद है बिल्कुल सब कुछ और तैयारी पूरी है मतगणना की। और इससे पहले आपने बड़ी अपडेट्स देखी मथुरा से, कुशीनगर से, तो लगातार इस वक्त जो है बड़ी खबरों के आने का सिलसिला जारी है। फिर से आपको एक बार बता दें नतीजे आप कैसे देख पाएंगे, ये बहुत स्पष्ट कर दूं मैं। मेरे ऊपर के कॉलम में उत्तर प्रदेश के नतीजे, जिलावार नतीजे, और नीचे जो मेरे कॉलम है उसमें उत्तराखंड के नतीजे आप देख सकते हैं, उत्तराखंड के जिलों के नतीजे भी आप देख सकते हैं। दिग्गज उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला जब होगा तो वो भी सबसे पहले आप एबीपी गंगा पर देख पाएंगे। और ये देखिए आप कानपुर की तस्वीरें, कानपुर की सुबह सुबह की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मतगणना के पहले की तैयारियां आप देख लीजिए, सुरक्षा देख लीजिए और कुतूहल जिज्ञासा आम लोगों में भी, कानपुर वासियों में भी, कानपुर के नेताओं में भी, प्रत्याशियों में भी, ये सब कुछ आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं।